If you try to speak in English with me and question something about our surrounding, then I try to solve of your questions. Otherwise, what I can say about it in English? I try to better understanding to do my duty, and I am already hopeful that I succeed in this matter. फटाफट इंग्लिश बोल रहा यह व्यक्ति पेशे से कुली है और बिहार के गया रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करता है, लेकिन इसकी फटाफट इंग्लिश सुन हर कोई हैरत में है। हम आपको विस्तार से बताते हैं इस कुली के बारे में। कहते हैं कि प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। जब ललक कुछ सीखने की हो और हौसला बुलंद हो, तब इंसान हर वो चीज हासिल कर सकता है जिसे वह चाहता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बिहार के गया जंक्शन पर कुली का काम करने वाले 70 वर्षीय शिव कुमार गुप्ता ने। शिव कुमार गुप्ता फटाफट इंग्लिश बोलते हैं, वहीं लोग इन्हें इंग्लिश कुली मैन के नाम से भी जानते हैं। खास बात यह है कि इनके पास ना कोई एजुकेशन है ना कोई डिग्री है, लेकिन अंग्रेजी ऐसी कि हर कोई चकित हो जाए। हाथों में अंग्रेजी अखबार, जुबा पर फटाफट इंग्लिश और काम कूली का। गया के शिव कुमार गुप्ता, जिनकी उम्र लगभग 70 साल, पेशे से कूली हैं, शरीर अब धीरे धीरे साथ देना छोड़ रहा है, लेकिन बुढ़ापे के साथ ही ये और भी दृढ़ होते जा रहे हैं। शिव कुमार गुप्ता कहते हैं कि काम तो वो कूली का करते हैं, लेकिन सबसे पहले वो इंसान हैं जो कि लोगों के काम आ सके। शिव कुमार गुप्ता हैं तो आम कूली ही, लेकिन इनकी कुछ अलग ही खासियत है। जहां आम कूलियों को हिंदी भी ठीक से समझ नहीं आता, वहीं शिव कुमार गुप्ता बिना कोई डिग्री के ही धड़ल्ले से अंग्रेजी बोलते हैं। ऐसे में गया जैसे ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन पर उनके साथ अन्य 121 कूलियों को भी खूब लाभ मिलता है। जब भी कोई विदेशी बाबू यहाँ पहुँचते हैं और जो हिंदी नहीं समझते, उनके लिए शिव कुमार गुप्ता मददगार बनते हैं। उनके सामानों को पहुँचाने के साथ ही उनकी सहूलियत के हिसाब से गाइड करना शिव कुमार गुप्ता अपना धर्म समझते हैं। कुली शिव कुमार गुप्ता ने बताया कि उनकी कोशिश होती है कि जिनके लिए वे काम कर रहे हैं वो खुश रहे। न दाम साट न मोल जोल, गुप्ता जी के व्यवहार के कारण उन्हें लोग खूब पसंद करते हैं। उन्होंने बताया कि इसी वजह के कारण बिना मांगे उन्हें अक्सर लोग तोहफे दे जाते हैं। लोग हमें इंग्लिश कूली मैन भी कहते हैं। आखिर लोग इन्हें इंग्लिश कूली मैन क्यों न कहे? जहां कूलियों के साथ हिंदी समझने में परेशानी होता है, वहां एक कूली फटाफट इंग्लिश बोलता और समझता दोनों है। आप खुद सुनिए कूली शिव कुमार गुप्ता की फटाफट इंग्लिश। गया से बिहार लाइव 7 के लिए धीरज सिन्हा की रिपोर्ट। मेरा नाम शिव कुमार गुप्ता है। क्या करते हैं? मैं कूली का काम करता हूँ। कब से यहाँ कूली का काम करते हैं? लगभग 40 वर्षों से। कहाँ तक का पढ़ाई? पढ़ाई लिखाई के विषय में ना पूछे तो बेहतर है, क्योंकि पढ़ने लिखने का सिलसिला अभी भी जारी है। हम कहाँ से शुरू हुए और कहाँ अंत होगा, ये मुझे स्वयं पता नहीं। तो आप सुनने में आया कि आप इंग्लिश काफ़ी अच्छा बोल सकते हैं। इफ़ यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश विद मी एंड क्वेश्चन समथिंग अबाउट आवर सराउंडिंग, देन आई ट्राई टू सॉल्व ऑफ योर क्वेश्चन। अदरवाइज व्हाट आई कैन से अबाउट इट इन इंग्लिश? I try to better understanding to do my duty, and I am already hopeful that I succeed in this matter. आप पढ़े लिखे दुनिया नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लिश कैसे बोल रहे हैं? देखिए, किसी चीज़ के लिए कुछ जुनून की ज़रूरत होती है, कुछ सीखने की प्रवृत्ति के लिए कुछ हमें अपने अंदर से विकसित करना पड़ता है। लोगों से प्रेरणा लेनी होती है और उस प्रेरणा के वशीभूत होकर ही मैं इंग्लिश। कुछ समय ऐसा आया था कि मैं किसी से बात कर रहा था तो कहा कि कुली गिरी करते हो और अंग्रेजी बोलते हो। तो मैंने कहा भैया, अंग्रेजी बोलना तो कोई गुनाह है नहीं है। और तब से मुझे इस ओर और अग्रसर होने की प्रवृत्ति अपने आप में
उद्दीत हुई और तब की से मैं इसके प्रति अभी भी सीख ही रहा हूँ। कोई भी भाषा सीखने में बड़ा इंटरेस्ट होता है, मिलता है, एंड रिक्रीजिंग इज मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन पर्सन हु वांट टू गेट हैप्पी लाइफ एंड कंफर्टेबल लाइफ। सो आई ट्राई टू बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनी वर्क एंड ड्यूटी। कैसे आप सीखते हैं पढ़ाई लिखाई? देखिए, मैं कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी हमारे जीवन क्रम में कि हमें शिक्षा कहीं से मिल गया कि हमारा रास्ता ख़राब होने जा रहा है, इसको बदलो। और तभी से मैंने छोटे छोटे बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को, जहाँ तक मुझे ज्ञान था, वर्ण ज्ञान था, शब्द ज्ञान था, वाक्य ज्ञान था, लोगों को शिक्षा देने लगा। उस क्रम में व्याकरण वगैरह, किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इस क्रम में मैं इसके व्याकरण को जानने के लिए अपने हिंदी व्याकरण को मजबूत किया और तभी से मुझे हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी करने में मज़ा आने लगा और यहीं से मेरा उद्गम हुआ और अभी तक चल रहा है। कब से बोल रहे हैं आप? ये तो मैं भी सही ढंग से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ और हमारे बहुत सारे गयावासी बंधु जानते हैं, खास करके शिक्षित विदों में, शिक्षा विदों में, यानी कि जो शिक्षित हैं उन लोगों में मेरी जान पहचान है। यहाँ के लोग बहुत सारे फॉरेन में भी हैं, वो जब आते हैं तो वो हमसे मिलते हैं तो कहते हैं आपकी चर्चा हम लोग फॉरेन में भी करते हैं कि आप इतना अच्छा व्यवहार रखते हैं कि सब आपसे खुश रहते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि जीवन की शैली जो है दूसरों को खुश रखने में ही है, अपने आप को खुश रख के कुछ होना नहीं है। अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी आप खुशी दे सकें, इसके लिए कुछ प्रयास करते रहिए और इसके अंदर मैं कर रहा हूँ। क्या आप ये इस तरह का इंग्लिश बोलते हैं लोगों को, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि सीखने के लिए कोई उम्र काफ़ी नहीं होता। आप जब कभी भी किसी चीज़ के प्रति सीखना चाहें तो उसके लिए अंदर से उत्साह उत्पन्न करें और उसके लिए थोड़ा प्रयास करें। बगैर प्रयास किए कुछ नहीं होता, तो प्रयास करेंगे आपके प्रयास का अंतिम स्वरूप होगा आपकी सफलता, मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने पढ़ा है। मैंने रुस्तो, जेम, मेजनी, टॉलस्टॉय आदि लोगों के विषय में भी पढ़ा है, उनकी जीवनी भी पढ़ी है। उनको जिस तरह से कहते हैं फकीरी में आनंद लेते थे, वो रईसी में नहीं है। अभी भी मैं इस बात को महसूस करता हूँ, कम से कम 7 घंटे आराम से सोता हूँ, थका हारा रहता हूँ, मेहनत करने के बाद आराम से जो नींद आती है वो सवेरे तरोताज़ा और सुकून देने वाली होती है और तब मैं पुनः अपने काम में लग जाता हूँ। इंग्लिश के अलावा और कोई भी भाषा जानते? हाँ, बांग्ला जानता हूँ और अन्य भाषाओं पर मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन समझने का प्रयास मैं इंग्लिश से ही करता हूँ। अन्य दूसरे भाषा भाषी के लोग मिल जाते हैं तो, क्योंकि इंग्लिश हमारा इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इसके प्रति सभी इच्छुक रहते हैं और करीब करीब विदेशियों को भी अंग्रेजी आती है, ये मैं मानता हूँ। कुछ फ्रेंच वगैरह लोग आते हैं फ्रांस वगैरह से, तो उनकी अंग्रेजी बोलने की शैली कुछ और होती है, लेकिन समझने वाले, कहा गया है कि ताड़ने वाले कयामत की नज़र रखते हैं, बस उनके जुबान को हिलने के बाद ही हम लोगों को समझ में आता है। कम से कम मुझे ये समझ में आता है कि ये क्या कहना चाहते हैं और मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। परिचय बताइए। मेरा नाम शिव कुमार गुप्ता है, मैं गया रेलवे स्टेशन पर लगभग 40 वर्षों से कुली का काम कर रहा हूँ और इस क्रम में हमारे मित्र बंधुओं से हमें बहुत सहयोग मिलता है और करीब करीब यहाँ पे रहने वाले कर्मचारी या अन्य दूसरे भी जो हैं वे मुझे जानते हैं, प्रेम से मिलते हैं और मैं उनसे प्रेम से मिलता हूँ। उनको यही कहता हूँ कि कुछ अच्छा करते रहो।